अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, प्रोग्राम देख रहे होंगे। यस, हमारे शो का नाम है T20 तमाशा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रख रहे होंगे। और यकीनन आप सबको इंतजार होगा कि मुदस्सिर और सैम कब आएंगे, और हम फाइनली आ ही चुके हैं। पूरा हफ्ता आप लोगों का कैसा गुजरा? मैच देखे, क्या सूरत हाल के साथ गपशप करते रहेंगे। सैम, बड़े जबरदस्त मैचेस हुए हैं, ठीक है? वर्ल्ड कप का आगाज बड़ा बेहतरीन हो चुका है, अच्छे मैचेस हुए हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई अगर दिमाग में ऐसी बात आ रही है तो उसको परे करें, क्योंकि जब मैच जिस मैच में फाइट हो जाए ना, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारी टीम और जो मैच हुए हैं वो बड़े बेहतरीन हुए हैं। तो बात यह है भैया कि T20 तमाशा बड़े सैम मतलब भेड़ा लगता है यार, कैमरे देखो आ जाते हो यार। चलो खैर, कोई बात नहीं, कोशिश हमारी यही होगी कि हम आज के प्रोग्राम में आपको खूब इंटरटेन भी करें, ना सिर्फ इंटरटेन करें बल्कि हम आपको बताएंगे कि क्रिकेट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप कैसा चल रहा है, वर्ल्ड कप में कौन कौन सी टीमें जो है ना सही पंगा लेंगी, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय लेते रहेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारी राय तो ऑब्वियसली होती है, बड़ी अच्छी होती है, कन्फर्म बात करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनके जो एनालिसिस होते हैं वो एक बॉल बैट स्कोर प्लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए नाप तोल करके ईची बीची देख के फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी और क्या वहाँ पे जाके मैच कैसे होंगे। खैर, हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और सैम को अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत उनकी बिल्कुल बेहतर हो चुकी है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बीमार नहीं थी, लेकिन यह है कि थोड़ा नज़ला ज़ुकाम और ये चीज़ें जो है ना ये चलती रहती हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखा करें, और अभी भी सैम को थोड़ा सा क्योंकि फ्लू हुआ हुआ था तो वो गई हुई थी उसके लिए ना, तो फिर अभी थोड़ी देर में दोबारा हमें ज्वाइन करेंगी। और हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोग्राम में, कौन भला, उनके बगैर प्रोग्राम जो है ना अधूरा अधूरा होता है, या कह सकते हैं कि बुट्टा बुट्टा होता है, इनकम्प्लीट होता है। कौन? शामिल भाई। वाह 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 वाह, और सही कहते हैं कदड़ वल सो थोड़ा सा वाला ओ वतन सादे गरीबां दे कदड़ वल सो सोना सावला। इतना काफी है क्योंकि शदीद सहम फ्लू है, ठीक है, लेकिन वक्त भी ऐसा कि चलो शामिल भाई है, और शामिल भाई अगर साथ में प्ले ना करे तो मजा नहीं आता। खैर, वेलकम बैक वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आप कुछ देर के लिए बाहर थोड़ा सा राउंड लेने गई थी, थोड़ा मैंने कहा राउंड कर लूं, चेक कर लूं सब जगहों पे सब लोग सही खड़े या नहीं खड़े, क्योंकि जैसे ग्राउंड में होता है ना, कुछ नहीं पता ऐसे वैसी बात की मैंने नहीं, जैसे ग्राउंड में होता है ना, वो जो जब बॉलिंग करा वो सब देख रहे, नहीं वहाँ पे उसको खड़ा कर दो उसको खड़ा कर दो, तो हम भी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सैम हमारे साथ बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं आज, ठीक है, और वो हमारे साथ बिल्कुल हमारे सेट पे आ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका तारुफ के हवाले से अगर बात की जाए तो ये CEO है स्टार ICCA के। ओके, माशाल्लाह कितना लंबा तारुफ। अच्छा, कोचिंग भी करते हैं, माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं राजा मुबीन शाहिद साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा, बाकी बातें हमारी चलती रहेंगी क्योंकि वर्ल्ड कप पे तो हमने बात करनी ही करनी है, मैचेस के ऊपर बात करनी ही करनी है, आपसे एनालिसिस तो हमने बिल्कुल लेने ही है। थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारे T20 तमाशा में आके, क्या महसूस कर रहे हैं? काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह, और आपका सेट देख के बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको डिज़ाइन किया है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है आपको? जो भी सीटिंग है ओवरऑल सेटिंग बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। नहीं, वो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। हाँ, वो क्या काट दे। अच्छा, चलिए, आप दोनों रौनक हैं इस प्रोग्राम की, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, हम थोड़ा सा पहले सैम प्रोग्राम को अगर आगाज करें, हम जो करंट सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड कप की, तो आज मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेज श्रीलंका का, तो उसके हवाले से ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली मैच विन किया,
तो क्या आपने उनकी गेम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या अगर श्रीलंका कैसे प्लान करता विकेट्स की वजह से या जो ग्राउंड की वजह से, क्या एनवायरनमेंट ऐसा था जिसकी वजह से श्रीलंका ने आज मैच हार लिया? देखें, मेरे ख्याल से क्वाइट सिमिलर था मैच ये वाला, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच था। आज आप देखें तो ऑलमोस्ट 157 का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने, लेकिन एक अच्छा टोटल था, डिसेंट टोटल था जिसको मेरे ख्याल से डिफेंड करना चाहिए था। और वही के बीच के जो ओवर्स थे उसमें मैच निकल गया श्रीलंका के हाथ से। पहले 8-9 ओवर बड़े अच्छे किए थे, बड़ा अच्छा जो है वो कंटेन किया हुआ था ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को, लेकिन उसके बाद मार्क स्टोनस ने आके जिस तरह की बैटिंग की, 18 बॉलों पे उन्होंने 50 की, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर, क्योंकि वो लोकल हैं, वहाँ पे खेलते हैं, उनकी अपनी होम कंडीशंस हैं, तो मेरे ख्याल से ये आज ले गए वो। अच्छा भूपेन भाई, हमारे क्योंकि एशियन प्लेयर्स जो है ना, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके या इंग्लैंड में जाके परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर विकेट्स की बात की जाए तो हमारे एशियन विकेट्स जो होती हैं मोस्टली डेड विकेट्स होती हैं, बैटिंग विकेट्स होती हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा बाउंस नहीं हो रहा होता बॉल, स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प देती हैं। और अगर हम वाहिर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस देखें तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स हैं, शायद वहाँ पे थोड़ी सी ग्रॉस होती है विकेट के ऊपर, क्या कहेंगे कि शायद ये वजह है या बाउंसी विकेट्स होने की वजह से हमारे जो एशियन प्लेयर्स हैं सारे फंस जाते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हुए, खासतौर पे बैटिंग लाइन? देखिए, एशियन टीम जब भी टूर करती हैं ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का या साउथ अफ्रीका का, उनको ऑलवेज जो है वो डिफ़िकल्ट कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो पिचेस हैं वो डिफरेंट हैं, यहाँ पे स्लो पिचेस हैं, वहाँ पे थोड़ा बाउंस ज़्यादा है। हाँ। तो एक डिफरेंस है, जब वो टीम्स पाकिस्तान का या एशिया का टूर करती हैं तो उनके लिए भी यही होता है। हमारे यहाँ स्पिनर्स को वो इतना अच्छा नहीं खेलते, हम लोग इतना अच्छा फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल पाते वहाँ जाके, तो एक मेजर डिफरेंस है दोनों तरफ देखा जाए तो। एग्जैक्टली। अच्छा, अरे कि नवाज़ के हवाले से, कि नवाज़ किस तरह, किस किस्म का प्लेयर है, मैं तो ये कहूँगा कि एक फाइटर है। डेफिनेटली। ठीक है, अगर उसको लास्ट ओवर में पड़ गया स्कोर तो ये कोई बॉलर्स को पढ़ते रहते हैं। देखिए, मेरे ये है कि अगर उनका जिस जगह पे उन्होंने बॉलिंग कराई है अगर उस पोजीशन पे ना कराते, उसे पहले यूटिलाइज कर लिया जाता, तो मेरे ख्याल में, मुझे लगता है, क्योंकि आपके ओपिनियन और मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट में मोस्टली ये होता है कि लास्ट जो ओवर्स होते हैं उसमें स्पिनर्स के ओवर नहीं रखे जाते। हाँ, तो लास्ट टाइम भी ये हुआ एशिया कप में, बाबर से जो एक ओवर नवाज का था वो मैनेज नहीं हो रहा था कि कहाँ जाके करवाना है। तो मेरे ख्याल से जो 10 ओवर पहले थे इंडियन बैटिंग के, आप देखें 10 ओवर में 45 रन थे, उनकी 4 विकेटें गिर चुकी थी। अब वो वहाँ पे वो टाइम लेके थोड़ा सेट हो रहे थे, उन्होंने इतना अटैक नहीं करना था। अगर मेरे ख्याल से ऑप्शनली जिस तरह इफ्तिखार हमारे पास थे, अगर थोड़ा सा हम रिस्क ले लेते वहाँ पे, इफ्तिखार से 2 ओवर करवा लेते, तो मेरे ख्याल से हम नवाज के वो 2 ओवर कवर करके, हमें पता लग चुका था कि हमारे पास एक फास्ट बॉलर कम है, एक प्रेशर में उनको यूटिलाइज कर लेते। डेफिनेटली, अगर उनको स्कोर पड़ भी गया प्रेशर में यूटिलाइज कर लेते, तो उसके बाद शायद वो एक गैप बन जाता जिसमें वो पाकिस्तान, जिस पे हम 3 बॉल्स पे लास्ट पे फंसे रहे। हाँ। एंड पे आके इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात आ, यार ये नहीं कि पाकिस्तान खेला बहुत अच्छा है, एंड पे कोशिश की, एंड जब 3 बॉल्स पे आके मैच जब यू होना शुरू हो गया, तो उस वक्त तो पता नहीं कहाँ कैसे कब 4 जब विकेट्स गिरी, तो उस वक्त हो गया कि नहीं अब मैच तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे हाथ में ही था। जी हाँ। 144 तक भी हमारे हाथ में ही था जब हुआ था, लेकिन उसके बाद तो फिर मैच ऐसे। आप ये देखिए, दुनिया के 2 बेहतरीन बैट्समैन खेल रहे थे, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए जिस तरह विराट ने बैटिंग की है। अब देखिए, सिंगल हैंडेडली वो लेके गए हैं, और आखिर तक आपने देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है, और इसमें देखिए आखिरी बॉल तक ये मैच गया है। किसी टीम ने हारना होता है, एक टीम ने जीतना होता है, लेकिन पाकिस्तान इस मैच में 70 और 80 की पोजीशन में आ चुका था कि 70-80% पाकिस्तान फेवरेट हो चुका था। Exactly. तो यहाँ से जो उन्होंने कम बैक किया है मेरे ख्याल से विराट ने और इंडियन टीम ने, तो यहाँ पे जाके थोड़ी बहुत हमारी जो गलतियाँ थी मेरे ख्याल से ओवर कम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में स्पिनर को नहीं देना, फास्ट बॉलर को। डेफिनेटली, थोड़ा बहुत पता चल तो गया। अच्छा, सैम के हवाले से मैं बताऊं, सैम बहुत अच्छी माशाल्लाह क्रिकेट खेलती भी हैं। इनके स्किल्स, क्रिकेटिंग स्किल्स जो थे ना, वो हमने जब हम प्रोमो शूट कर रहे थे इस प्रोग्राम का, आपकी नजरों से गुजरा होगा जी, जी। तो वहां पे पता चला कि सैम कितनी अच्छी बैटिंग भी कर लेती है। हाँ, बिल्कुल टिका के। लेकिन ये कि थोड़ी सी कोचिंग मिल जाए ना सैम को, तो सैम बस पे सारे ऑलराउंडर तो मैं ही हूँ। ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर सैम नहीं है, स्पिनर है और बड़ी अच्छी बैटिंग नहीं कर लेती। जिसका काम उसी को साजे। हाँ, माशाल्लाह ऑलरेडी हमारे पास इतने अच्छे, हमारी टीम है तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस इन बेस्ट ऑफ लक। हो जाती है मिस्टेक, एक तो हमारे यहाँ बड़ा हल्का से कुछ भी हो जाए बस घरों में जो। अच्छा, हाँ, ये वैसे एक बात नहीं, यहाँ पे ये फिक्स मैच का भी सुनने में आता है, यहाँ पे ये चीज बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैंने पढ़ा है कि यार
फिक्स मैच हो गया ये भी बड़ी कुछ न्यूज़ वायरल हुई हुई है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कुछ चीजें इस क्रिकेट में हो रही हैं, और देखिए बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस आईसीसी का। हमारी यही सोचती है, इतना अच्छा खेला, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, और हमें बीइंग ए क्रिकेट फैन, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी नेशन या इंडियन यहाँ पे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है मेरे ख्याल से, तो हम लोगों को ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो टीम अच्छा खेल रही है उसने विन करना है, तो एटलीस्ट हमें एक हार जीत के अंदर भी एक डिफरेंस देखना चाहिए। अच्छा एक वैसे एक अवामी सा क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे कि हमारे अगर हम पाकिस्तान की प्लेयर्स की बात करें तो हमने क्योंकि मैच देखा उसमें फास्ट बॉलर को खेलते हुए काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हमारे प्लेयर्स को खेलते हुए ना, उनकी वजह ये थी कि एक तो वहाँ पे पिच में वहाँ पे बाउंस ज्यादा है, एक्स्ट्रा बाउंस, जी हाँ एक्स्ट्रा बाउंस था, तो क्या हमारी प्रैक्टिसेस जो हो चल रही होती हैं ओवरऑल उस पे बाउंसी विकेट्स पे नहीं करते? देखिए हमारी क्ले में और उनकी क्ले में बड़ा डिफरेंस है, जो हम लोग यहाँ पे पिचेस यूज करते हैं आपने देखा होगा। अच्छा यार वो जब यहाँ पे आते हैं वो नहीं फंसते प्लेयर? नहीं फंसते हैं, जब दुबई में आप देखें पाकिस्तान ने 8-10 साल पाकिस्तान का ऑलमोस्ट वेन्यू होम वेन्यू वही बन चुका था, तो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में जब इंग्लैंड ने एशेज को विन किया हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो पाकिस्तान ने 4-0 से उनको हरा दिया था, तो उनके लिए भी ऐसा ही है जब वो पाकिस्तान का एशिया का टूर करते हैं तो उन टीम्स के लिए भी मुश्किल का बाइस बनता है। बिल्कुल ये चीज़ें चलती रहेंगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे अपने नाज़रीन से हम ये कहना चाहेंगे सैम कि आप लोग पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करें, ठीक है, हम खुद क्योंकि पाकिस्तानी और पाकिस्तानी टीम को इस वजह से सपोर्ट करें कि हमारी टीम स्ट्रांग है, हमारी टीम की वजह से हार भी हो जाती है और लड़ के जीत हारे हैं कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा। आखिरी बॉल तक अगर फैसला नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि बड़ा टफ टाइम टफ मैच रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले जो मैचेस आएंगे ना सैम तुम दे आप अच्छा नो बॉल पे भी काफी वो है कि नो बॉल वाला क्या था, 3 बॉल्स पे जब हो गया मैच टोटली हमारे हाथ में आ चुका था, लेकिन जब लास्ट पे ऊपर से आया कि नो बॉल का भी काफी ये देखिए वहाँ पे एक चीज सिर्फ जो डिस्कस की गई है वो ये की गई है कि अंपायर का काम था कि शायद वो रिव्यू के लिए चले जाते हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल के जो अंपायर के डिसीजन होते हैं उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और बेनिफिट ऑफ द डाउट जो हमेशा बैट्समैन को जाता है बैट्समैन के फेवर में जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन चीज़ों पर जाना चाहिए। अच्छा। मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ, दोनों टीमों ने अच्छा खेला और एट दी एंड इंडिया ने मैच जीता। अच्छा एक चीज थी, अच्छा खेली, बाकी हर चीज़ भाई अपनी जगह पे, हम सबकी तारीफ भी करते हैं, मैं विराट कोहली की तारीफ इस वजह से करूंगा कि जिस बॉल पे उन्होंने छक्का मारा हारिस रऊफ को स्ट्रेट पे जब छक्का मारा वो शॉट मुश्किल बॉल थी, वो उस पे छक्का मारा नो डाउट बड़ी अच्छी शॉट उन्होंने की, लेकिन 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 जिस बॉल पे नो का इन्होंने कहा ना थोड़ा सा उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए, लड़के लिए भाई लड़के लिए अंपायर को प्रेशराइज करके लिए कि भाई ये नो बॉल है आप दे चेक करें, तो अंपायर बेचारा पता नहीं शायद प्रेशर में आ गया होगा, नहीं चलो यार दे देने आज तो ये चीजें जो है ये बड़ी इस लेवल पे जाके काउंट होती है कि जी प्रेशर में आके अगर किसी अंपायर ने दे दिया, या आप अंपायर से जाके कह सकते हैं लेकिन अंपायर का जो डिसीजन होता है वो जरा थोड़ा सा देखभाल के ऑब्वियसली बनता है। तो खैर हमारे प्रोग्राम में ना सिर्फ सैम हमारे राजा साहब होंगे शामिल भाई होंगे, बल्कि हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो 3 सीट्स है ना यहाँ पे 3 टैलेंट आएंगे आज, और आके जो आज धूम मचाएंगे ना वो आप फिर देख लीजिएगा, लेकिन 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 इससे पहले हम एक छोटी सी लेंगे ब्रेक ताकि हम उनको रेडी करें, ताकि उनके माइक शाइक लगे हों, जब आएँ तो एनर्जी के साथ आएँ, प्रोग्राम में बैठें, अपने बारे में बताएं, अपने टैलेंट के बारे में बताएं, और हमने खेलनी है उनसे आज गेम। हमारे साथ रहिएगा, लेते एक छोटी सी ब्रेक। हिस्ट्री बेस्ड इवेंट्स पे बनाओ जिनके ऊपर कोई ना कोई हिस्ट्री बेस्ड हो रही हो। अब जैसे मैंने ये PIA का मॉडल बनाया था APBBF, बेसिकली ये जहाज क्रैश हुआ था हमारा हमलाज में, ठीक है, बैक इन 1980s के करीब, तो इसका रैकेज कभी फाउंड नहीं हुआ था, और इसके रैकेज को फाउंड करने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा रेस्क्यू मिशन हुए थे, दैट वॉज 97 और 98, लेकिन इसका रैकेज कभी फाउंड नहीं हुआ। तो मैंने ये उसके ऑनर में इस जहाज को बनाया, और आपने जैसे देखा भी होगा मैंने एंड में जो उसके पायलट थे उनके लिए भी एक कोट लिखा था। सही है, तो दैट्स वाई मैं हिस्ट्री बेस्ड इवेंट्स पे जहाज बना रहा था। सेम गोज फॉर दिस 730, ये जो मैंने वर्किंग 730 का मॉडल बनाया है ये भी हिस्ट्री बेस्ड इवेंट के ऊपर है। ये वही 730s है जो कि हमारी PF ने यूज़ किए थे अटारी के ऊपर बॉम्बिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास बॉम्बर्स इतने ज़्यादा नहीं थे और इतने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट नहीं थे वॉर के दौरान,
तो हमारी पीएफ ने फिर इन जहाज़ों को यूज़ किया था एज ए बॉम्बर, और इसके ऊपर वही सीरियल नंबर है, इसका वही पेंट जॉब है, तो दैट इज हाउ आई डू माई वर्क. बहुत अच्छे. और अच्छा, अब हम अभी तक जितने आपके ये एयरक्राफ्ट आपने बनाए हैं जी, उनमें आपने इनको कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले किया है? मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इनको डिस्प्ले किया है. लाइक मैं डिफरेंट पीएफ के बेसिस पे जाता हूँ, वहाँ पे डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, वहाँ पे इनको मैं पब्लिश करता हूँ, लोग आते हैं देखते हैं वहाँ पे, और इसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स पे जाता हूँ. वेरी नाइस. और सैम क्लैप बनती है इसके ऊपर, इतना खूबसूरत काम, बहुत अच्छे. और अब बात करेंगे जनाब माहीन. माहीन, क्या परफॉर्मेंस दिया आपने? अभी दी का है, पूछे इनसे दिए ना परफॉर्मेंस. नहीं अभी तो थिएटर का जो ये खुद बता रही है कि थिएटर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. कब से कर रही हो माहीन? किसी को देख के या फैमिली में है या किसी को देख के? फैमिली में नहीं है एक्चुअली, मुझे बचपन से शौक था. मैं फिफ्थ ग्रेड में थी जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गई थी. अच्छा. देन फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक एग्जाम्स दिए, देन मैंने कॉलेज में एडमिशन हुआ, और मुझे था मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने कुछ और करना है. हाँ, डॉक्टर नहीं बनना. अचानक से मतलब मैंने घर वालों को कहा कि मैंने और ये नहीं पढ़ना, मैंने कुछ और करना है, मैंने म्यूज़िक की तारों का इलाज करना है. देन मैंने थोड़ा स्किप किया और फिर सीखा. अच्छा, और साइड पे हो गया. आपने मेडिकल में जब गई तो कौन से, आप किस ईयर तक आप गई? सेकंड एग्जाम्स छोड़ दिया ना. बता तो रही है आपको, चीज बहुत अच्छी लगे, इंटरेस्ट दे रही हो, मजा दे, तो वो काम करना चाहिए. तो साथ साथ ही शूट्स भी आना शुरू हो गई. फिर सीखा, पहले फिर सीखा, फिर जब थोड़ी परमिशन वगैरह मिली, वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट थे सब, लेकिन फिर साथ साथ फिर स्टडीज को भी दोबारा घर वालों को हो गया कि बच्ची में टैलेंट है, कुट के भरा हुआ है, रोक के कुछ भी करें, इन्होंने नहीं रुकना. हाँ सैम, जिंदगी में ना थोड़ी सी ब्रेक जो है ना बहुत जरूरी है, वो जरूरी है. तो एक दफा छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे. तो फिर अभी तो हमारे म्यूजिक का सेशन जो है ना वो शुरू होने लगे. बिल्कुल, आज एक नहीं दो नहीं तीन तीन है आज सिंगर्स हमारे साथ. तो लेते हैं छोटी सी तो मैं चाहूंगा कि हमारे पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, अभी बहुत सारी सैम गेम खेलती है, गेम्स भी है, गाने भी सुनने हैं, और सबसे पहले तो आप हमें कॉल भी कीजिएगा. सबसे पहले हम मसरूफ लोगों के पास जाते हैं कि जी आप लोगों हमें कौन सा गाना, बल्कि माहीन से पूछते हैं. माहीन, पहले गाना आप सुनाएंगी या तैयबा? आप दोनों पहले डिसाइड कर लें वो, या गेम खेल लें. आप पहले, आप पहले, आप नहीं नहीं बोली होती गेम, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरा सो तैयबा से सुनते हैं. तैयबा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को कौन सा गाना सुनाओगे आप? पसूरी सॉन्ग, पाकिस्तान का एक गाना. जरूर जरूर जरूर. तो आप लोग उम्मीद है कि पहले इनका एक गाना सुने, उसके बाद जब वापस आएंगे ना तो हमारे पास ये एक टोकरी पड़ी हुई है. हाँ. इसके अंदर बहुत जबरदस्त सी एक गेम पड़ी हुई है, वो हम आपको इसको ओपन करके ना फिर बताएंगे कि इसके अंदर क्या है. और ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा बहुत सारी और गेम्स भी हैं, वो भी हमने आज इनसे खेलनी है, और फिर खूब मजा आएगा कि जिसमें मौसीकी भी होगी, अंताक्षरी भी होगी, एक्टिंग भी होगी, और क्या सी बस ना, इतना ही होता है, इतने टाइम में इतना ही होता है, इतना काफी है. अच्छा जी, आप रेडी? यस. शामिल भाई हो जाए. कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जगाया दी
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे है। सैम इसके जो सुर है ना उसके अंदर जो मुर्गियां है ना मुर्गियां समझती है। हाँ जिस अंदाज से आपने कहा जरूर समझ जाऊंगी ऐसे जो टेढ़ी मेरी मुर्गियां ही हो सकती हैं मतलब। मुर्गियां है ना वो लेना बड़ा मुश्किल है। हाँ, exactly. और बड़ी अच्छी कोशिश की इन्होंने exactly. और गाना भी इतना मुश्किल चूज किया आपने। कोई आपके माइंड में नहीं आया कि कोई ऐसा गाना होना चाहिए जो सिंपल सिंपल हो? मेरा अपना एक ऑफिशियल सॉन्ग है कुछ लोग अलग से कुछ लोग अलग से मैंने समझा खुद ही शायरी की उसकी। जी जी मैं खुद भी लिखती हूँ लिखती भी हूँ सिंगिंग भी करती हूँ इसके अलावा बीट बॉक्सिंग भी करती हूँ। ओहो वाह 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 देखो टैलेंट भरे पड़े लोग हैं सैम साडे मुल्क दे विच। और माशाल्लाह देखिए केटू वो वाहिद हमारा चैनल है जो न्यू टैलेंट को प्रमोट करता है और आप लोग यहाँ पे आज बैठे हो। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा अब मेरे ख्याल में हम चलते हैं माहीन की तरफ। माहीन ना हो जाते ऊपर नीचे लिखे असल में गड़बड़ हो जाती है वो बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे जो मसले मसाले हैं ना होते रहते हैं। और अच्छा मुबीन भाई बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और हम अब माहीन की तरफ जाते हैं ताकि ये गाने एक दफा हो जाए उसके बाद गेम की तरफ जाएंगे। और हम अपने नाज़रीन से पूछेंगे कि आपको तैयबा का गाना कैसा लगा ये हमें कॉल करके बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि अगला मैच जब पाकिस्तान का आने लगा है तो उसमें आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कौन से नंबर पर किसको भेजना चाहिए। क्योंकि हमारे जो अवामी एक्सपर्ट्स हैं ना सैम अवामी एक्सपर्ट्स घरों में बैठे हुए हैं ये मैच पता इतने टाइम से बचपन से जैसे बचपन से खेल देखते 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 तो उनमें भी वो आ जाता कि यार यहाँ पे इसको भेजें या ऐसे नहीं ऐसा करें तो वहां भी कहीं ना कहीं बेचारी थोड़ी बहुत राइट का राइट बेशक हमारे लोगों को क्रिकेट खेलना ना आता हो ठीक है लेकिन देख देख के आधे खिलाड़ी तो बेशक खवातीन घर में हांडी बना रही हो ठीक है झाड़ू दे रही हो कमेंट्री साथ साथ चल रही होती तो है ये बात ना ये काम करना चाहिए था सी है ना जरूरी है ये जड़े ओके बाबर आजम जड़े ना ये छक्के दी बॉल नहीं सी छक्का मारने की कोशिश की थी डाउट हो गया। माहीन की तरफ चलते हो क्योंकि फिर बातों में माहीन क्रिकेट खेलते हो आप? खेलते नहीं है लेकिन देखते हैं। अच्छा किस हद तक देखते हो आप स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो देखते हैं बहुत शौक से। अच्छा लास्ट मैच आपने फ्रांस का देखा था? नहीं फ्रांस का नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा पाकिस्तान वर्सेस फ्रांस का जो मैच हुआ था सैम आपने देखा? फ्रांस का तो है ही सैम माशाल्लाह क्रिकेट के बारे में जानती हैं ठीक है और बल्कि जबरदस्त आप भी जानते हो कि फ्रांस तो टीम है ही नहीं मैं समझता पीएम के ना को क्रिकेट के बारे में कुछ पता कोई नहीं। अच्छा माहीन हमारे नाज़रीन को आप क्या सुनाना चाहेंगी खरा खरा गाना सुनाना है आपने खरा खरा समझते हो क्या सुनाना चाहेंगी? मैं मैडम नूरजहां का एक सॉन्ग है वाह 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 जदों हाली जई लंदा मैं ओ तेरी सैम तोड़ा फेवरेट गाना ये आपने मुझे सुना सुना के मेरा फेवरेट कर दिया आपने मुझे काम में सुना करो ये गाना वाह। अच्छा इतना मुश्किल गाना क्यों आपने सोचा कि मुश्किल गाना होना चाहिए? देखिए हमारे लेजेंड्स थे नो डाउट और बस अब उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं वही सब सीख रहे हैं आज इनको एक खिताब मिलने लगा है सैम क्योंकि ये गाना गाएंगी और इतना बेहतरीन गाएंगी और फिर हम इसे कहेंगे उस्ताद माहीन ठीक है। चले जी हमारे साथ माहीन है और माहीन जल्दी से हमें जो ये गाना जो है ना हमें सुनाइएगा। आपने तो हमें हैरान कर दिया इतना मुश्किल गाना ना सिर्फ हैरान किया बल्कि परेशान कर दिया।
इतना मुश्किल गाना बड़ा प्यारा और इतने आसानी से गाया, बिल्कुल क्यों खास अब, और जिस तरह इन्होंने निभाया इस गाने को गाने के लिए कम से कम इतने इतने फेफड़े चाहिए बंदे के है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक इंसान के फेफड़े मजबूत नहीं होंगे तब तक बंदा ऊपर के सुर नहीं लगा सकता। फेफड़ों की ताकत चाहिए ना, मतलब इतनी क्या इसको बोलते हाई नोट्स जो होते हैं सैम, जिस तरह होता है ना सारे गामा, हाँ वो उसके लिए धानी सा मुक गए सा। अच्छा के लिए आपकी। इस सा के साथ हम बात करेंगे। माहिन आपने इब्तदाई तालीम बचपन से किससे सीखी मौसीकी की? मेरे एक टीचर हैं उस्ताद आशिक मेहती, मैं उनसे सीखती हूँ। अभी भी सीख रही हैं? म्यूजिक बहुत तो साथ से सीखना पड़ता है। वाह वाह, तो कभी आता नहीं है, आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हो तब तक बगैर प्रैक्टिस के गाना, मैं कहता हूँ कि रेगुलर रेगुलर जाती हूँ। और कितने घंटे की क्लास होती है आपकी? ये तो नहीं, हम लोग बस दिन शुरू होता है हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और फिर और घर का आना होता, घर वाले कहते हैं बस आ भी जाओ माहिन, बस कर दो, हम भी हैं, फ्रेंड्स भी ये बोलती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। अच्छा माहिन, म्यूजिक एक्टिंग मॉडलिंग कभी गलती से घर के काम भी कभी वो कर लिए हैं कि नहीं, जिस तरह वो हांडी बनाना या रोटियां? ऐसा भी नहीं कि लड़कियों को आते काम, जो टीवी में काम करते हैं उनको काम नहीं आते। नहीं, अक्सर कहते हैं ना ये एक्चुअली मेरे नेल्स जो है ना ये खराब हो जाते हैं, मैं इस वजह से घर के बर्तनों में। ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं मुझे बेकिंग सारा करना आता है। ओके, और वॉशिंग? नहीं यार, बर्तन खुद खाया तो धोने में क्या प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, अब हमारे शर्जील भाई बैठे हैं, इतने खामोश बैठे हैं। शर्जील भाई कह रहे हैं यार मैं कितने आ गया, मैं कौन सी दुनिया में था, मैं तो यहाँ किधर आ गया हूँ। नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, असल में आप उनसे पहले गाना सुन रहे थे एज लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, सो वी हैव टू लेडीज, लिहाजा यस टू लेडीज फर्स्ट एंड सेकंड नंबर फिर आपका आ गया जी फाइनली। और शर्जील भाई से सुनते हैं कि शर्जील भाई आज हमें क्या सुनाने लगे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको एक ईपी बैंड का गाना सुनाऊंगा, वक्त। वक्त हमेशा वक्त की कदर करें, वक्त जिन जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो लोग हमेशा फिर कोसते रहते हैं अपने आप को, नहीं बल्कि लोगों को, इनने मेरे ना ले कीता, इनने मेरे ना ले कीता, मेरा टाइम बर्बाद कर सटा। तो हमें चाहिए कि वक्त की कदर करें और अपने टैलेंट को भरपूर, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहे और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ दौड़ें और ये छोड़ दें कि पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर जो है ना वो भी बाद में ही आता है, लेकिन आप कोशिश किया करें हाल में रहें, प्रेजेंट में रहें, पास्ट को सिर्फ देखें, फोकस नहीं करना, सीखना चाहिए। तो गाना सुनते हैं जी वक्त। How the story goes, in and out, one minute you're there, the next time ran out, it's a figure of a speech, it's a matter of fact, did you ever really think about the time you had, it's a brain, they fall, every second they call, to the minute, to the hour, till the vanity recall, it's a battle cold crisp, they're really never there, did you ever really think about the time you were here? एक ऐसा से है कभी सोचा ना था, वक्त ढलता रहा मैं चलता रहा, अंधेरों में भी एक रोशनी थी, उस रोशनी में घर चलता रहा, तो दिल मेरा रोए तो क्या, वक्त इरादों को तोड़े तो क्या, मंजिल को अपनी पाएंगे वक्त को अपना बनाएंगे हम, वो हो वो हो वो हो जो चाहूं वो हो।
something that you really can't think about. The time got left and the time ran out. Keeping in mind what I left behind, it sent you my soul bright time to a pale. No, I'm ashamed to let you quit this game. I could never change, cause I'm the guy. Even if I wanted to, I couldn't decide, cause I never really had time on my side. Kitna raha, sambhalta raha, is khamoshi mein main marta raha. Umeedon ke main saaye tale, khwabon ko tarasta raha. To dil mera roye to kya, waqt iraadon ko tode to kya. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे. वेल डन भाई. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. और बहुत अच्छा गाया. सैम कैसा लगा आपको? आला. आप लोग कैसा लगा? वेरी नाइस. सच्ची सिंगर सिंगर एक दूसरे की जुबान समझते ना, उनको पता चल गया होगा. अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं, आपको करेले गोश्त भी अच्छा लगता है? मतलब यहाँ पर करेले गोश्त ही क्यों? क्योंकि सिंगर्स को अच्छा लगता है ना करेले गोश्त. यस, क्योंकि आपको अच्छा लगता है. और नहीं, ये जो भी सिंगर होता है उसके लिए जरूरी होता है, लाजिम और मलजूम होता है कि उनको करेले गोश्त. और ठंड भी ज्यादा लगती होगी आप लोगों को. या अल्लाह, मतलब यार क्या बस. सॉरी यार, ये सब चलता रहता है. नहीं सैम, जो सिंगर होता है एक तो उसको ठंड ज्यादा लगती है. अच्छा क्यों? वो कोई मरीज से आते हैं? नेचुरली होता है. जो सिंगर होता है उसको ठंड भी ज्यादा लगती है. अच्छा, और आप किसी सिंगर से पूछ लें, उनको दूसरी उनकी जो वीकनेस होगी ना वो करेले गोश्त होगा कि जी करेले गोश्त. आप में से किसी को पसंद है करेले? वैसे हमारी फील्ड में ना जो है सारे जो सिंगर्स है वो कहते हैं कि सुरीला खाना है ना, करेले गोश्त ही है खाना. बहुत वो लोग खाते हैं. हां देखना, हम नहीं खाते. बस मेरी बात सच साबित हो रही है. ये भी कि ठंड भी बहुत लगती है. ठंड में सर्दी में, सर्दी तो हर इंसान की. आप लोगों को नहीं, इनको सेम सेम नहीं मंदी सी. हाँ. मन जो अब क्लियर हो गया ना, आपके साथ भी यही मसला है कि नहीं? नहीं मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा मसला नहीं. खैर हमारी चीजें जो ये गपशप जो है ना ये चलती रहेगी. आप हमें कॉल, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं. आप ये ना समझे कि सिर्फ यहाँ पे तमाशा लग रहा है एंड गपशप हो रही है, लेकिन आप लोगों का हमारे साथ रहना बहुत 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 जरूरी है. यस, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है. अभी करते हैं गेम्स का. गेम्स, ओके. अच्छा इस गेम में ना हम बनाएंगे सैम को जज. जज, ओके. सैम बनेगी जज. थोड़ा सा बनाई हो जाए ना, मैं जज हूँ यार. सैम को जज बनाएंगे. ये सेहरा हम सैम के सर पे रखते हैं बड़ा बड़ा, और देखते हैं कि किस किस्म की जज है. किस किस्म, मतलब है कि अच्छी जज होगी. हाँ वो क्या बोलते हैं, जज कर भी सकती है. हाँ, ये कैसी जज है कि जज कर सकती है कि नहीं, तो ये चीज भी देख लेते हैं. और दूसरा मेरे पास है, दिखा दो ना क्या. फिर तो जज वाली बात ना हुई ना. मैं इसमें से एक देखें आपके सामने ये कुछ पर्चियां हैं जिनको हमने फोल्ड किया हुआ है. इस पर मुझे खुद भी पता नहीं है वेरी फ्रेंकली कि इसमें क्या है. तो इसमें हम इसको शफल करके म्यूजिक निका निका बजाओ ना. अच्छा इसको हम पहले सब मिक्स करेंगे और यहाँ के जो लकी पर्सन है उनसे हम पर्ची उठवाएंगे. ओके. और सबसे पहले मैं देखूंगा. अब ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं इन दोनों जो हमारी मशहूर सिंगर्स मॉडल्स हैं ये पर्ची फिर उनको दिखाई जाएगी. ठीक है, उनमें ये एक्ट करेंगी और आपने बताना है कि ये किस चीज की एक्टिंग हो रही है. बड़ा मुश्किल काम रही थी. मैं तो जज की सीट तो नहीं बनाया ना. मैं आज तो वैसे भी सीटों में बड़ा रोल है. अच्छा तो ये हमारे पास है शर्जील भाई, इनमें से एक पर्ची उठाएं. ये मुझे दे दे. इसको हम देखते हैं कि इस पे लिखा क्या है. सैम वो उधर देखो ना, लाइट देखे केरा नंबर है लाइट दा, इस साइड वाली नहीं देखूंगी यार. नहीं देखना, इतनी भी कुछ
ओके अच्छा मुझे यकीन है कि सैम ने नहीं देखा नहीं देखा। और ये माहीन को हम एक चैलेंज देंगे कि माहीन इस चैलेंज को किस हद तक पूरा करती है। ठीक है जबरदस्त सा एक इनको टास्क दिया गया है और उस टास्क को ये किस हद तक पूरा करती हैं इसमें जो मेन डिफरेंस है ना मेन डिफरेंस वो अगर ये डिफाइन कर गई तो फिर इसका पता चल जाएगा आपको। ओके या अल्लाह डन डन अच्छा इसमें एक चीज और भी बता दूं कि हमारे ये जो परफॉर्मर हैं इन्होंने मुंह बंद करके परफॉर्मेंस करनी है एक्ट करना है ये नहीं कि मुंह से कुछ बोलना है बोलना नहीं है सिर्फ एक्टिंग करनी है समझ आ गई। ओके बच्चे चलें जी आपका टाइम शुरू हुआ चाहता है अब फिर बोल रही है बोल रही है बोला कि वर्ड्स बता रही है वर्ड्स बता रही है ओके ठीक है हाँ बैड बैड नहीं झाड़ू हॉकी बॉल बैड बॉल मैच मैच बैड बैड बॉल T20 यार यार अल्लाह क्या औखा काम है यार ये पहले तो बैट था दूसरा बॉल हाँ सिक्स मारा आप उस कैमरा पे देखे ना उस कैमरा पे देख के परफॉर्म करें यार तो मुश्किल दे दिया हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ मुझे तो नहीं समझ आ रही आपका बॉल कर आई तकरीबन खत्म हो जाता है अच्छा फिर आप एक यार मैं बहुत बुरी जज हूँ सॉरी भाई मैं बहुत बुरी जज हूँ यार अच्छा सीरियस नहीं एक मैं कोशिश करता हूँ अगर आपने तो देख लिया ना बस करें अब ये वाला मैं करूँगी अब इनको जज बनाते नहीं चलो ठीक है अब इसमें ये है सबसे पहले ठीक है यार बैट बॉल तो मेरे अच्छा लड़की लड़की ने बॉल फेंकी यस लड़की बॉलर है आप कुछ और था ना नहीं क्या था क्रिकेट टीम बॉलर तो हाँ ना विमेन क्रिकेट टीम बॉलर विमेन क्रिकेट टीम की बॉलर तो आप बैट कर रही थी ना तो मैंने कहा बैट वाला क्रिकेट खेल रही थी ना तो सैम अच्छा इसमें सैम आपके नंबर जो है ना वो माइनस में चले गए और मेरे नंबर अच्छे हो गए क्योंकि मैंने कोई बात आप महान है ओके फाइन वेल डन माहीन के लिए तालियां। अब बात आती है अगर चले मैं ठीक है चले जी हम सैम की सीट पे बैठ जाते हैं यस आप जज की सीट पे बैठते हैं थैंक यू अब मैं हम ब्रेक पे जा रहे हैं आप अभी नहीं बैठ सकते मेरी सीट पे आप अभी बैठ नहीं सकते चले लेते हम जा रहे हैं आप लोगों ने कहीं नहीं जाना अभी बहुत फन है हमारे शो में तो लेते एक छोटी सी ब्रेक जी आपको इस दोबारा वेलकम करेंगे जी आए नु कहेंगे फखैर रख ले कहेंगे सो बिस्मिल्लाह कहेंगे भली कर आओ कहेंगे और क्या क्या बचता है सैम सारा कुछ त्याग की डर पीछा कुछ नहीं बची तो हम सब ये सब के क्रीसो के सैम आज कैसे पकाई है गारिच हैं आज केरी शायद आज ही पकी है आज पता नहीं मैं देखता शो करें नहीं पिया तैं किसे पकाई है तैं किसे कुक की थी आज ऐसा मगज फ्राई खादे ता इरा उबरदा पिए हैं दिमाग खा गए दिमाग फिलहाल हम जज के साथ ऐसे बात पेश नहीं ऐसे ही आते हैं पेश हमेशा पेश ही आते हो जेर नहीं आते हो ओके ओके यार अब बस फाइनल करते हैं ओके तो सैम सो अच्छा हम मैं और शामिल आपस में गपशप करते हैं आप बेशक इनको बता दीजिए अच्छा शामिल भाई आजकल जिंदगी में क्या चल रहा है आपकी म्यूजिक करते रहते हैं चले ठीक है अच्छी बात है अब ये जो वेरी इजी और मैं
उधर देखो ना मेरी बात, उधर पुरका था ना फैम, वो कौन सा नंबर है? तो मैं अब दिखा दूँ तो लाइक होय होय होय, नहीं तो चीटिंग यार। ओके ठीक है जी, आ जाएं आप, अब हम जज बनेगा, अब मैं देखती हूँ। इतना मुश्किल करना ना, समझ ही ना आए। मुल्जिम को पेश किया जाए। हमारे साथ कौन है, वकील कहाँ है? वकील ये खड़ी है। हाँ। तीन लोग हैं। तीन? अच्छा ओके। परेशान, गुस्सा, नहीं मैं नहीं। Handsome, like me. Okay, thanks. अच्छा handsome नहीं है, मोटा है। अच्छा सर पे कैप पहनते हैं, सफेदा है। अच्छा एक चीज है, तीन वर्ड है। Welcome. मर्द यस, मैं करके दिखा। आपकी एक्टिंग ने हमें मुतासिर बिल्कुल नहीं। अच्छा सर मैं करती हूँ, देखो। अच्छा मुतासिर क्या था? ठीक है। अच्छा सैम महान आर्टिस्ट है माशाल्लाह, और बस बहुत हो, आज हमें एक्टिंग करके दिखाएंगे और हम बूझेंगे कि क्या इन्होंने कहा। अच्छा देखो, ठीक है, मर्द। हाँ मर्द, थोड़ा सा इधर हो जाए, अब बैठ जाओ ना। नहीं वो ताकि कैमरे के पॉइंट से। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है मर्द। तेरी ऐसी की तैसी, गुस्सा मारा देखो। अभी तो क्या है ये? क्या है मर्द? मुझे लगता है कि शानदार गुस्से वाला मर्द। Exactly. शानदार गुस्से वाला जब हमने एक्टिंग की ना तो हमने जो जो चीजें इनकी मिसिंग थी हम उन चीजों को पॉलिश करके और वेल डन। आप दोनों के लिए बहुत सी क्लैपिंग बनती है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कभी लूडो खेली है घर में? आपने माइन 50 और आपने? ये खेलता रहता हूँ। खेलता विन कौन करता है हमेशा? चांस पे बात है। ये वाली खासकर, ये वाली, ये वाली नहीं खेली, ये वाली नहीं कभी खेली इतनी ज्यादा। मजा आता है कि आप एक माइनर एक वर्ड से नीचे चले जाते। लेकिन आई कैन टेल यू आई एम लकी इन इट। ओके तो हम एक काम करते हैं, एक टीम बनाते हैं जिसमें मैं और शर्जील होंगे। श्योर ठीक है, बल्कि मैं सपोर्ट करूंगा शर्जील को। आप सपोर्ट करेंगी दो खवातीन गर्ल्स को, ठीक है? तो हम खेलते हैं सांप सीढ़ी, देखते हैं कि कौन लकी है। लकी बॉय आ जाए। अच्छा इसमें करेंगे ये कि शर्जील भाई के लिए, ठीक है, तरीकेकार से हम ये है कि हम खूब घुमा के दूसरी तरफ देख के फिर इसको जमीन पे डालेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 ये। नहीं इसको कहते हैं दो, इसको कहते हैं कुछ भी नहीं, एक काना काना। शर्जील भाई आपकी किस्मत एक भी रख दो ना। तो आपका नंबर आया है एक, एक और अब हम एक हम रखते हैं ये, ये। और एक पे तो गो है। अच्छा उधर रुक गए अब लड़कियों। सैम यार उसी तरह आपने शफल कर रहे हैं दूसरी तरफ देख के। यस 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 यस, शफल 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 एंड माशाल्लाह से हम दोनों की लक और आप तीनों की लक एक जैसी है यार। आप बैटर हैं
अच्छा अब इनका भी हो गया ये, अब हम इनको दे देते ना, अब टोटल गेम होगी हमारी तीन तीन प्लेयर्स की। तो अब आप अपनी किस्मत आजमाएं खुद, हम तो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अच्छा ये जो खाली है ना, इसको हमने नाम रखा हुआ है काना, ठीक है, मींस के वन सिंगल, ठीक है। आए भाई, ओके, ऊपर देखते हैं, इधर उधर देख के, यस यस, फाइव। तो कहां जाएगी? सिक्स के ऊपर। ये सिक्स एंड क्रॉस द लैडर, ये हुई ना लकी। हम लोग लकी हैं। अब माहीन का देखते हैं, अब माहीन का देखते हैं कि माहीन कितनी लकी है। देखना दूसरी तरफ है, जोर जोर से दो, दो। अच्छा इनका है दो का, ये ओ ये भी सीढ़ी है, इनकी पे जा रही है 23। अच्छा 23 को सराय खींच के आके दिन से 23। अच्छा नहीं उर्दू में बोलते हैं। तैयबा आपकी जबान में क्या कहते हैं 23 को? त्रेई, क्या क्या त्रेई? अच्छा आप लोग त्रेई बोलते हैं। माहीन आप क्या बोलते हो इसको? यही बोलते हैं 23। अच्छा हमारी जबान में कहते हैं त्रेवी, त्रेवी। और आप? त्रेई, त्रेई। ये सारे त्रेई वाले हैं। अच्छा ये फाइनल है, ठीक है, ओके। इसमें मैं तो अपनी किस्मत भाई नहीं आजमाऊंगा, ये भाई आपने आजमानी है, हमारी किस्मत एक जैसी है। छक्का है ना? हाँ, छक्के पे छक्का दोबारा होता है। छक्का एक और खेलें आप, आपको एक और मौका दिया जाता है। छक्का आया तो यू आई एम लकी, थैंक यू। सिंगल हम इसको दोबारा कहेंगे जी। पांच भाई क्या खेलते हो? 56 से 57। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बैठ नहीं गया, स्नेक है, नीचे जाएगा। हाँ ये कट गया ना, आठ पे गए, आठ पे। अच्छा ये इन्होंने पांच खेला ना, सिक्स पे गए, सिक्स एट पे जाएगा। ओह गॉड, एट जाएगा, स्टेयर हुआ ना। इसको कहते हैं स्टेयर्स पे नहीं, सांप, कोबरा। कोबरे को आप लोग क्या कहते हैं अपनी जुबान में? सांप नहीं, नहीं, कोबरा जो होता है, किंग कोबरा, ब्लैक कलर का जो, यही बोलते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और इससे पहले कि इनकी बारी स्टार्ट हो, हम काफी थक चुके हैं क्योंकि हमें सांप ने डसा है ऐसे मौके पे। और इस जगह पे, इस जगह पे सैम हम तो ब्रेक लेंगे, ठीक है, आप लोग तैयारी कर लें, उसके बाद फिर आएंगे तो फिर इस गेम को मजीद आगे लेके जाएंगे। जी आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि सैम, क्योंकि इतना टफ मुकाबला देखने के बाद दिल बर्दाश्त होकर प्रोग्राम से थोड़ी देर के लिए जा चुकी हैं, तो हमने मजीद प्रोग्राम को आगे ले। अच्छा आगे कैसे हो सकता है कि मेरे बिना शो करना कैसे कर सकते? वेलकम वेलकम वंस अगेन। हां मैं सुन रही थी सब बाहर, ऐसा नहीं है। हां नहीं मैंने तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं की सैम, कर भी नहीं सकते ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा हाँ। तो हमारी टीम में हम क्योंकि लकी अच्छा, बंदे थे तो हाँ। हमें लकी बंदों को भी बाज़ औक़ात सांप डस लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा तैयार रहना चाहिए जिंदगी में कि कभी भी कोई लूडो की गेम में सांप डस सकता है। और आप लोगों की एक बारी है माहीन, आप दोनों में से कौन आएगा? अल्लाह करेगा कि आपको भी कोई सांप, माहीन कुछ कर लो। नहीं उनकी बारी रह गई थी, हाँ वो रह गई, तैयबा आए, तैयबा रह गई थी, तैयबा शाबाश, तैयबा आ जाओ। म्यूजिक वाह, ऊपर देख के, ऊपर देख के, तो ये बात चार चार बच्चे थोड़ी मेरे सिर देखे, कोई सांप तो नजर नहीं आ रहा मुझे वैसे। 20 ऊपर जाएगा, 20 50 जाएंगे ना, डायरेक्ट 68 पे आ रहा है। कैसे
आप वाला ये पड़ा है 23 से जो पिया अच्छा हमारा ये है 23 से है ना 23 वाला 24-25 ये आएगा 27 पे चले जी हम रख के देते हैं ये आ गया जी 27 पे और इसके साथ ही आज साथ ही आज हमारा ये मुकाबला जो हुआ अपने इख्तिताम पे और विन किसने किया ये मैच ड्रॉ हुआ बाय आप लोग वो देखो वो कहां पे हम लोग 3 से हम 2 से जी सदके जाऊं आपने एक प्लेयर ज्यादा खिलाया अपनी टीम में जी नहीं हमारे दो आपने कहा था जी हम हैं तो हमने कहा ओके लेकिन एंड पे देख लो गोल्स है चलो एक हम चांस दे ही देते लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग इतना मार्जिन से जीत जाओ हाँ हमारा कसूर तो नहीं वुमेन पावर दे वुमेन आप लोगों को ये जीत मुबारक हो और ये सैम आपकी वजह से नहीं ये इन दो लकी गर्ल्स जो है उनकी वजह से हुआ हम तो स्टार्ट में कांटे पे फंस गए मैंने इत्तेफाक से जब मैंने छक्के को घुमाया एक आया सैम ने घुमाया तब भी एक आया तो बस साबित हुआ कि हमारे दोनों जो है ना एक ही नंबर आएगा हम दोनों का और शर्जील भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम और अब प्रोग्राम का वक्त है ना बिल्कुल नेड़े 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 यानी के बिल्कुल एंड तक पहुंच चुका है और आप तीनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया और शामिल भाई आपका बहुत शुक्रिया और जाते जाते हम फाइनली एक बात करेंगे अपने गेस्ट से राजा मुबीन साहब से कि मुबीन साहब हमें ये बताएं कि अगला मैच जब हमारा आने लगा है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के साथ उसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं कैसी टीम रहेगी क्या होगा क्या नहीं होगा थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान को चार फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए जिस तरह की कंडीशन है वहाँ पे और चार फास्ट बॉलर लेके जाना काफी अच्छा होगा और आज आपने कल देखा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का जो मैच था वो बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है कि एक मैच जीत के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बाकी अच्छे हल्के मैचेस हैं पाकिस्तान थ्रू हो सकता है सेमीफाइनल में पाकिस्तान फाइनल में जा सकता है सेमीफाइनल में जा सकते हैं और इंशाल्लाह सेमीफाइनल में भी जीतेगा हम उम्मीद करते हैं बल्कि सब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह फाइनल में जाए और इस दफा ऑस्ट्रेलिया में जाके फाइनल को चुक के रख दे ऐसी बात ही नहीं इंशाल्लाह थैंक यू सो मच आपके आने का अच्छा हम प्रोग्राम को जब वाइंड अप करेंगे तो हम तमाम अगर मिल के यहाँ पे अगर आ जाए एक गाना गा लेते हैं ठीक है तो कौन सा गाना गाना चाहिए हमें या बैठ के कर ले हम गाते हैं यारो यही दोस्ती है ताकि हम सबको आता हो और हम मिलके गाएंगे और इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे खुदाफिज कहेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही और सांसों ने की वफा सेम टाइम फिर हम दोबारा मिलेंगे आपको ट्यूजडे को हमारे साथ और मेहमान होंगे मजेदार हम उनसे गपशप भी करेंगे गेम्स भी होंगी म्यूजिक भी होगा और T20 तमाशा रमा दमा चलता रहेगा जी गुड नाइट इन द ऑफिस जो मिली है।